कल दिन सोमवार से प्रारंभ होने वाले श्रावण मास में इस वर्ष शिवालयों में प्रतिदिन होने वाले जलाभिषेक और गर्भगृह में होने वाले पूजन अनुष्ठान पर रोक लगा दी गई है। कंठ में गरल धारण किए भगवान भोलेनाथ की तप्त देह पर सावन में इस वर्ष निरंतर जलाभिषेक की धार भक्त प्रवाहित नहीं कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण के प्रभाव के चलते शिव मंदिरों के गर्भगृह के बाहर से ही भक्त पूजा विधान कर सकेंगे। नगर से लगे त्रिवेणी संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव में पूरे सावन मास जुटने वाली कांवड़ियों की भीड़ और जलाभिषेक के लिए लगने वाली कतार भी नहीं लग पाएगी। विशेषकर प्रति सोमवार को नगर के प्रमुख शिवालयों में गर्भगृह से नदी या सरोवर तक मानव श्रृंखला बनाकर बाल्टियों से जल एकत्र कर शिवालय का जलाभिषेक भी नहीं किया जा पाएगा। इस जलाभिषेक अभियान के बाद मंदिरों में होने वाले सामूहिक भंडारा या भोग प्रसादी का वितरण भी प्रतिबंधित रहेगा। तहसीलदार लाखेश्वर किरण ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमण के प्रभाव से बचने SDM सूरज साहू ने कलेक्टर रायपुर से चर्चा कर अनुविभाग के शिव मंदिरों में सावन के दौरान जुटने वाली भक्तों की भीड़ को रोकने यह निर्देश जारी किया है। अभी हम कुलेश्वरनाथ मंदिर, जो कि इस राज्य का फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर हम उपस्थित हैं। और कल से श्रावण मास से प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसमें पंचकोसी धाम में से एक प्रमुख यह धाम है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसके लिए दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से ये डोर लगा हुआ है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों के बीच हो सके इसके लिए ये लगाया गया है, ताकि भक्त बहुत ही सीमित संख्या में धीरे धीरे करके ऊपर आएँ और अगर उन्हें जल चढ़ाना है या भगवान का दर्शन करना है तो वो कर सकें। तो ऐसी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा फिलहाल की गई है। विदित हो कि नगर के राधा कृष्ण मंदिर और शीतला मंदिर में स्थित शिवलिंग पर इस तरह मानव श्रृंखला के दौरान जलाभिषेक सावन मास के हर सोमवार को उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसमें नगर के शिव भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिस पर अब इस बार पूरी तरह से रोक रहेगी। इसी तरह धमतरी जिले की सीमा में लगे ऐतिहासिक शिवालय पर पुलिस का पहरा रहेगा। मगरलोड थाना अंतर्गत बड़ी करेली चौकी इंचार्ज भूपेंद्र चंद्रा ने जानकारी दी कि संक्रमण के चलते शासन के गाइडलाइन मुताबिक ही सावन मास में शिव मंदिर में नियमों का पालन किया जाएगा। मंदिरों में घंटी बजाने तक पर रोक लगी हुई है। 6 जुलाई सोमवार से सावन की शुरुआत हो रही है और अंतिम दिन सोमवार को ही सावन खत्म होगा। 5 सोमवार व कई अद्भुत अपूर्व योगों के साथ इस वर्ष सावन और पावन होगा। श्रावणी उपकर्म एवं भोले बाबा को रिझाने के लिए उनके जलाभिषेक सहित अनेक अनुष्ठान सावन के महीने में किए जाते हैं, यह कहना है नगर के ज्योतिष भूषण पंडित ब्रह्मानंद शास्त्री का। उन्होंने कहा कि अन्य देवी देवता गण को विभिन्न भोग एवं श्रृंगार सामग्रियों से संतुष्ट होते हैं, किंतु भोलेनाथ एक लोटा जल से ही तृप्त हो जाते हैं। तीनों लोगों के कल्याण के लिए कंठ में गरल धारण किए भगवान शिव जब तृप्त हो गए तो उस हलाहल विष की ज्वाला को शांत करने के लिए उन्होंने अपने शीश पर गंगा जी को धारण किया, जो निरंतर उस पर जलाभिषेक करती रहती है। इस भाव से भोले बाबा के भक्त उन पर जलाभिषेक करते हैं। महाराज जी हैं जो इस कुलेश्वरनाथ मंदिर के पुरोहित हैं जी। महाराज जी बताएंगे, कल से प्रारंभ होने जा रहे श्रावण मास के आप मंदिर समिति द्वारा क्या तैयारी की गई है? इस साल जो है, इस वैश्विक महामारी के चलते इस साल जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि भीड़ को देखते हुए अंदर दर्शन नहीं हो पाएगा गर्भगृह में, तो उसके लिए एक लंबे पाइप और ड्रम की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि श्रद्धालु बाहर से जल डाल सकें और जा कर के सीधे भगवान में अर्पण हो। और साथ साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, रस्सा बांधा गया है और साथ में मंदिर समिति के सदस्य यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, ताकि कोई भीड़ ना हो और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही सैनिटाइजर की भी व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की गई है और ध्यान रखा जाएगा कि सब मास्क लगाएं और अंदर जाने की तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इस कारण सभी श्रद्धालुओं को भी समझना होगा और दूर से दर्शन करेंगे। मानव श्रृंखला जो बनाकर जल चढ़ाया जाता था, ये सब अभी
ये हो तो सके इस साल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि महामारी के चलते देश में जो व्यवस्था है थोड़ी सी दूसरी है। तो क्या है, भीड़ में आप मानव श्रृंखला करेंगे तो सब एक दूसरे के पास ही रहेंगे, हाथ हाथ लगाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगी इस साल। तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था की जाएगी। जो कांवरिया अगर आते हैं, चलकर कांवरिया यहाँ पर आते हैं, कोई श्रद्धालु भक्त अपने मनोनयन को लेकर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ मांग के लिए भगवान के पास, तो उनको यहाँ पर छूट रहेगा जिस तरीके से वो दर्शन कर सकें इस तरह से? अब दर्शन के लिए तो सबकी एक ही व्यवस्था है कि अंदर ना जाएं, बाहर से दर्शन करें। और क्या है कि आप जैसे कि एक को अंदर जाने दे रहे हैं तो उसके लिए दूसरे बोलेंगे कि हमको नहीं जाने दे रहे, इस कारण किसी को भी अंदर तो जाने की अनुमति नहीं, बाहर से ही दर्शन, बाहर से दर्शन हो पाएगा। ठीक है जी, आपका नाम? हरीश शर्मा। पूरे सावन मास में 13 रवि योग, 11 सर्वार्थ सिद्धि योग और 3 अभीष्ट सिद्धि योग के कारण इस मास में भगवान भोले की भक्ति आराधना के साथ सुख समृद्धि बढ़ाने वाली साधना होगी। 25 जुलाई को नाग पंचमी और 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। 20 जुलाई को हरियाली अमावस्या में सोमवार का संयोग विशेष फलदायी होता है। इस दिन काल सर्प दोष का पूजन व निवारण का भी विशेष महत्व होता है। किंतु विश्वव्यापी महामारी कोरोना के चलते इस बार बाबा के भक्तों और कांवरियों के मन में यह संशय बना हुआ है कि इस बार सावन में शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना पहले की तरह से हो पाएगी या नहीं। धारा 144 सामाजिक एवं शारीरिक दूरी व शासन प्रशासन के मार्गदर्शन निर्देशों के चलते यह संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कुलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारीगण, राधा कृष्ण मंदिर व गरीबनाथ मंदिर के व्यवस्थापक, जो परंपरागत रूप से विगत अनेक वर्षों से मानव श्रृंखला बनाकर सहस्त्र जलाभिषेक करते रहे हैं, वे भी सोच में पड़ गए हैं। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट।